नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स आर फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स हुज इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स ऑफ द अंडरलाइन इक्विटी असेट सच एज निफ्टी 50, S&P, सेंसेक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स और एनी कस्टमाइज्ड बास्केट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स। The issuer of the bond invests a predetermined part of the principal amount collected in fixed income securities like bonds, which provide principal protection, while the balance is used to buy options, which provide the exposure to returns of equity. Thus, these instruments are generally structured in a way to give 100% capital protection with a provision for equity participation to the investors. सो यहाँ पे ELD है क्या? ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है इसकी अंडरलाइन इक्विटी असेट पे। देखिए यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है, इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स, यानी इसमें क्या होता है कि आपका कुछ पैसा इक्विटी में लगाया जाता है और कुछ पैसा लगाया जाता है डेट में। अब इसीलिए यहाँ पे जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस इक्विटी शेयर के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि जो निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 ने अगर मान लीजिए रिटर्न दिया 10%, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये भी जो ELD है वो भी चेंज हो जाएगा। और मान लीजिए अगर वो जो स्टॉक है वो सेंसेक्स में है तो वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक है, यानी मान लीजिए XYZ एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके आपने इक्विटी लिंक डिबेंचर्स आपने उसके बाय कर लिए, तो क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक जिस हिसाब से वो बिहेव करेगा, मतलब जिस हिसाब से वो रिटर्न देगा, उसी हिसाब से ELD भी रिटर्न देगा। सो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही क्या आते हैं, देखिए मान लीजिए आपने 5,000 रुपये आपने इसमें लगाए, यानी इक्विटी लिंक डिबेंचर्स में आपने 5,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3,000 रुपये आपके ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, यानी ऐसे डिबेंचर में इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो 5,000 हो जाए, और बाकी जो 2,000 रुपये होंगे वो आपके इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कैपिटल की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसे यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, और जो बैलेंस्ड होता है, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको हम इक्विटी में लगाते हैं ताकि वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कैपिटल प्रोटेक्शन होती है वो 100% होती है। नेक्स्ट, कैपिटल प्रोटेक्शन शुड नॉट बी रीड एज नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क। दिस इंस्ट्रूमेंट स्टिल कैरी क्रेडिट रिस्क एंड अकॉर्डिंगली रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हमें 100% कैपिटल प्रोटेक्शन मिल रही है तो उसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ के मतलब 100% मिल ही रही है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रिस्क है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा है या फिर कम है? तो आपको उस इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर की जो रेटिंग है वो देखनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि डिबेंचर्स को या फिर जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एक रेटिंग देती है, AAA, B+, BB। तो उनकी जो रेटिंग है उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो जो इक्विटी लिंक डिबेंचर है वो कितना सेफ है और कितना रिस्की है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है FinCrosser, आप वहां पे जा सकते हैं और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं।